Now we are going to start some theorems. Okay, before we start the exercise 8.1, theorem number 8.1, ये आपके बुक में है theorem number 8.1, वही मैं आपको सॉल्व करवा रही हूँ, आप इन सबको कॉपी में भी लिखिएगा. theorem number 8.1 is a diagonal of parallelogram divide a diagonal, okay, a diagonal of parallelogram divided into two congruent triangles. हमारा ये क्या है, एक आपका डायगोनल है आपका पैरेललोग्राम का, जो ट्राइंगल को टू पार्ट्स में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, हमें प्रूव करना है. क्लियर? ओके, इन अ पैरेललोग्राम. सो हमें यहाँ पे क्या गिवन है कि ए बी सी डी जो है हमारा क्या है, पैरेललोग्राम है. अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ओके, वी हैव टू प्रूव दैट अ डायगोनल से ए सी, हमारा जो डायगोनल है ए सी, ए सी और बी डी हमारे क्या होते हैं, डायगोनल्स होते हैं. मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर में भी बताया था कि आपके ए सी और बी डी क्या होते हैं, डायगोनल्स होते हैं. ओके, सो वी हैव टू प्रूव दैट अ डायगोनल से ए सी ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी डिवाइडेड इंटू कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल ए बी सी एंड सी डी ए, दैट इज ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल सी डी ए. वी हैव टू प्रूव दैट दीज बोथ ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट. ओके, सो इन डायग्राम फर्स्ट वी जॉइन ए सी, वी जॉइन द लाइन ए सी. सिंस ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, देयरफॉर ए बी सी डी क्या है आपका, पैरेललोग्राम है. अभी हमने पैरेललोग्राम के बारे में पढ़ा, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी पढ़ी. पैरेललोग्राम क्या होता है हमारा, कि ए बी पैरेलल हो जाएगा आपका डी सी के एंड ए डी पैरेलल हो जाएगा बी सी के. ये जो अपोजिट साइड्स है आपकी, ये क्या हो जाएगी, पैरेलल. ओके, सो नाउ फर्स्ट ए डी पैरेलल बी सी एंड ए सी इज ट्रांसवर्सल. ए सी जो है हमारा डायगोनल है और ये क्या है, ट्रांसवर्सल है. इंटरसेक्ट देम, जो इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट ए और पॉइंट किस पे, सी पे. इंटरसेक्ट देम पॉइंट ए एंड सी, क्लियर, पॉइंट ए एंड सी रिस्पेक्टिवली. सो एंगल डी ए सी इज इक्वल टू एंगल बी सी ए. एंगल जो है हमारा डी ए सी, डी ए सी, ओके, बी ए सी के, बी सी ए, बी सी ए, ये जेड बन रहा है आपका, जेड बन रहा है मतलब कैसे एंगल बन रहे हैं, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहे हैं. ओके, सो ये अल्टरनेट इंटीरियर हो गए, इसको देते हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट. अगेन अब हमने कौन सा ले लिया, कि हमारा जो ए बी पैरेलल है वो डी सी के, ए बी पैरेलल भी हमारा डी सी है और ए सी यहाँ पे हमारा फिर से क्या है, ट्रांसवर्सल. सो एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल डी सी ए, गिव इट टू इक्वेशन नंबर सेकेंड. ओके, ये भी हमारे क्या बन रहे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहे हैं. ओके, सो नाउ इन ट्राइंगल्स ए बी सी एंड ट्राइंगल सी डी ए वी हैव, ये दोनों ट्राइंगल में हमें क्या मिला, इक्वेशन फर्स्ट से, कि हमारा एंगल बी सी ए इज इक्वल टू क्या, एंगल डी ए सी. ए सी इज इक्वल टू ए सी, कॉमन साइड ए सी हमारी दोनों ट्राइंगल में आ रही है. एंड एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल डी सी ए. ओके, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन से हमने लिख दिया, ये भी अल्टरनेट एंगल बन रहे थे. तो एंगल साइड एंगल, दो एंगल और एक साइड, एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया से क्या हो गया, ये दोनों ट्राइंगल हमारे कॉन्ग्रेंट हो गए. हमें यही प्रूव करना था, इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट और ये दोनों ट्राइंगल हमारे क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट. ये आपकी थ्योरम नंबर 8.1. अब हम करते हैं थ्योरम नंबर 8.2. आपकी थ्योरम नंबर 8.2 बुक में गिवन है, वो लिखिएगा. इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल. ये जो पैरेललोग्राम है इसमें हमें बताना है कि जो अपोजिट साइड्स हैं वो क्या है, इसकी इक्वल. क्लियर? सो गिवन इज अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी. इन अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ए बी सी डी क्या है आपका, पैरेललोग्राम है. हमें प्रूव करना है अपोजिट साइड को इक्वल, मतलब ए बी इज इक्वल टू सी डी बताना है एंड डी ए इज इक्वल टू क्या बताना है, बी सी. क्लियर? कंस्ट्रक्शन में फिर हमने क्या किया, ज्वाइन कर दिया. किसको ज्वाइन करा, ए सी को. यहाँ पे भी हमने किसे ज्वाइन किया, ए सी को. ओके, प्रूफ स्टार्ट करते हैं. सिंस ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ए बी सी डी क्या है हमारा, पैरेललोग्राम है. देयरफॉर ए बी पैरेलल टू डी सी, ए बी पैरेलल डी सी हो गया, ए डी पैरेलल बी सी हो गया. अपोजिट साइड क्या बता दी हमने, पैरेलल बता दी. सो नाउ ए डी पैरेलल बी सी एंड ट्रांसवर्सल ए सी. यहाँ पे भी हमारा ट्रांसवर्सल क्या है, ए सी, ए सी ट्रांसवर्सल. सो एंगल डी ए सी इज इक्वल टू एंगल बी सी. दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. ओके, गिव इट टू इक्वेशन फर्स्ट. अगेन ए बी पैरेलल डी सी, हमारा ए बी भी पैरेलल डी सी के और यहाँ पे भी हमारा ए सी ट्रांसवर्सल है. तो एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल डी सी एंड गिव इट टू इक्वेशन सेकेंड. दीज ऑल्सो आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. क्लियर? सो नाउ इन ट्राइंगल ए डी सी इज इक्वल टू ट्राइंगल सी बी ए वी हैव, हमारे ये दोनों ट्राइंगल है. इसमें हमें क्या मिला, इक्वेशन फर्स्ट से हमें मिला एंगल डी ए सी इज इक्वल टू एंगल बी सी ए. ए सी हमारी कॉमन साइड हो गई. क्लियर? ए सी इज इक्वल टू ए सी एंड एंगल डी सी ए इज इक्वल टू एंगल बी ए सी. ये वाला ट्राइंगल भी हमारा, ये हमारी दो जो साइड्स थी, ये वाली साइड्स हमने लिख ली. एक हमारी कौन सी थी, एक हमारी थी डी ए सी इज इक्वल टू बी सी ए, एक थी हमारी बी ए सी इज इक्वल टू डी सी ए. क्लियर? तो ये दोनों हमारी साइड्स हो गई. तो बाय एंगल साइड एंगल, यहाँ पे भी दो एंगल और एक साइड हो गया. तो बाय एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया, दीज दो ट्राइंगल्स आर
कॉन्ग्रुएंट, ओके। अगर ये दोनों ट्राइंगल ही कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो हम लिख सकते हैं कि ए डी इज इक्वल टू सी बी एंड डी सी इज इक्वल टू बी ए। क्लियर? किससे? बाय सी पी सी टी, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल से। तो ये आपकी थ्योरम नंबर 8.2 भी कंप्लीट होती है। अब हम करते हैं थ्योरम नंबर 8.3। थ्योरम नंबर 8.3 है आपकी, ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल, देन इट इज अ पैरेललोग्राम। हमें यहाँ पे प्रूव करना है कि अपोजिट साइड अगर है इसकी क्वाड्रिलेटरल की इक्वल, तो ये क्या बन जाएगा आपका? पैरेललोग्राम। क्लियर? सो गिवन, हमारे पास ये हमने डायग्राम बनाया, ये हमारा डायग्राम हो गया। ये हमारा क्या है? हमारे यहाँ क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। इसके अपोजिट साइड हमारी अगर इक्वल हो जाएगी तो ये क्या बन जाएगा? पैरेललोग्राम। तो गिवन क्या है हमारे पास? गिवन है कि ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच अपोजिट साइड्स आर इक्वल, दैट इज ए बी इज इक्वल टू डी सी एंड बी सी इज इक्वल टू ए डी। क्लियर? दीज साइड्स आर अपोजिट साइड्स, सो वी हैव टू प्रूव दैट ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, दैट इज ए बी पैरेलल डी सी एंड बी सी पैरेलल ए डी। पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ता है हमें? इसके अपोजिट साइड्स को पैरेलल बताना पड़ता है। तो हमने लिख दिया कि ए बी पैरेलल डी सी एंड बी सी पैरेलल ए डी। क्लियर? नाउ कंस्ट्रक्शन, ज्वाइन ए सी। हम क्या करेंगे? ए सी को ज्वाइन कर देंगे। ओके, ज्वाइन कर दिया हमने ए सी को डायग्राम में। सो इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल सी डी ए, दोनों ट्राइंगल ले लिए ए बी सी एंड सी डी ए। ए सी इज इक्व टू ए सी, कॉमन साइड है। ए बी इज इक्व टू डी सी, ये हमें गिवन में दिया था। फिर हमें गिवन में एक और दिया था बी सी इज इक्व टू ए डी। तो बाय साइड 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 क्राइटेरियन दीज दो ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। ओके, और अगर ये दोनों ट्राइंगल हमारे कॉन्ग्रेंट प्रूव हो जाते हैं तो हम इसे क्या प्रूव कर सकते हैं? कि हमारा जो ए बी सी डी है वो क्या हो जाएगा? पैरेललोग्राम हो जाएगा। अगर वो हमारे दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट प्रूव हो गए तो हम लिख सकते हैं कि एंगल बी ए सी इज इक्व टू एंगल ए सी डी एंड एंगल बी सी ए इज इक्व टू एंगल सी ए डी। बाय सी पी सी टी, करस्पॉन्डेंस पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल, हम लिख सकते हैं कि ये दोनों इसमें अल्टरनेट एंगल बना रहे हैं, ठीक है। तो अगर ये अल्टरनेट एंगल बना रहे हैं तो हम लिख सकते हैं कि ए बी जो है हमारा पैरेलल हो जाएगा किसके? डी सी के। और बी सी पैरेलल किसके हो जाएगा? ए डी के। ओके, अगर इसमें बनने वाली अपोजिट साइड ही हमारी पैरेलल हो गई तो हमारा ए बी सी डी क्या प्रूव हो जाएगा? पैरेललोग्राम। तो हम लिख सकते हैं कि हैंस ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। अब आती है आपकी थ्योरम नंबर 8.4। 8.4 आपकी थ्योरम है द अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। पैरेललोग्राम में बनने वाले अपोजिट एंगल को क्या बताना है? इक्वल। पहले हमने क्या बताया था कि अपोजिट साइड इक्वल है, अब हमें क्या बताना है कि इसमें बनने वाले जो अपोजिट एंगल है वो भी क्या है? इक्वल। तो हमने क्या बना लिया? पैरेललोग्राम, ठीक है। हमने पैरेललोग्राम बना लिया। गिवन क्या है हमारे पास? कि हमारा जो ए बी सी डी है वो क्या है? पैरेललोग्राम है। और हमें क्या प्रूव करना है? अपोजिट एंगल। अपोजिट एंगल कौन से हो जाएंगे? ए के अपोजिट सी बन रहा है, बी के अपोजिट क्या बन रहा है आपका? डी। क्लियर? तो हमें प्रूव करना है कि एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। ओके, सिंस प्रूफ में ले सकते हैं हम कि ए बी सी डी जो है हमारा वो पैरेललोग्राम है। अगर ये पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स क्या हो जाएंगी इसकी? पैरेलल, मतलब ए बी पैरेलल डी सी एंड ए डी पैरेलल बी सी। नाउ ए बी पैरेलल डी सी एंड ए डी इज ट्रांसवर्सल। अगर हम ए डी को ट्रांसवर्सल लेते तो वो ट्रांसवर्सल किन पॉइंट्स से होगी? ए ओ डी पॉइंट्स से। ओके, तो हम लिख सकते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल। ए ओ डी कौन से बना रहे हैं? कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल बना रहे हैं हमारे। तो इसको लिख सकते हैं, गिव इट टू इक्वेशन फर्स्ट। अब हम ले सकते हैं हमारा कि हमारा ए डी पैरेलल बी सी, ए डी पैरेलल बी सी अगर हम लेंगे तो इसमें कौन पैरेलल हो जाएगी? हमारी डी सी लाइन ट्रांसवर्सल हो जाएगी। अगर डी सी ट्रांसवर्सल है तो वो किस पॉइंट से है? पॉइंट डी और सी से। क्लियर? तो डी और सी भी मिलकर कितने का बना देंगे? 180 डिग्री। और ये भी क्या बन रहे हैं? सम ऑफ कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल बना रहे हैं हमारा 180 डिग्री का। क्लियर? गिव इट टू इक्वेशन सेकंड। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, हम क्या लिख सकते हैं इन दोनों इक्वेशन से? कि एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू एंगल डी प्लस एंगल सी। ओके, लिख सकते हैं दोनों का। अगर आर एच एस इक्वल है तो हम एल एच एस को भी इक्वल लिख सकते हैं। हम ये लिख सकते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू एंगल डी प्लस एंगल सी। क्लियर? एंगल डी को अगर हम इधर शिफ्ट करेंगे तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारा क्या प्रूव हो जाएगा? एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी प्रूव हो जाएगा। सिमिलरली हम क्या लिख सकते हैं कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। ओके, यहाँ पे हमने क्या प्रूव कर दिया कि अपोजिट एंगल जो है हमारे वो क्या है? इक्वल। मतलब हमारा एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। क्लियर? यहाँ पे आपकी थ्योरम नंबर 8.4 भी कंप्लीट होती है।